दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जैसा कि मुझे वीडियो मिला था, एक महान भाव ने मेरे पास एक वीडियो भेजा था। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इतने बड़े इस क्षेत्र में इनके पास दोस्तों रहने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। एक दादी माँ जी है, वही इन सब सारी चीजों को देखती है। दोस्तों ये रहा इनका घर, यही सब कुछ है इनका। दोस्तों बाहर खाना बनाती है दादी जी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, बगल में एक जा रहा है खेत में पानी, और जहाँ पर ये अपने थाली को धुलने के लिए आ गई है, इनके पास ना तो सही पीने का पानी है और ना तो सही रहने की कोई व्यवस्था है और ना ही कुछ खाने पीने की ऐसी व्यवस्था इनके पास है। दोस्तों ये होती है माँ की ममता। उतरते हैं माता जी की करीब, हम चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते भी हैं। माता जी प्रणाम, कैसे हैं आप? जी जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जो मुझे वीडियो भेजे थे वो हमारे भाई जी हैं। क्या नाम है सर आपका? तो दोस्तों ये आजमगढ़ है, और कोई कमाने वाला, कोई परिवार, कोई सदस्य नहीं? नहीं, यही इनका सब कुछ है। चाहे बारिश हो चाहे ठंडी, सब पूरा जीवन इसी में तो गुजार रहे हैं दो तीन साल। वो भी जमीन दूसरे की, ये भी जमीन दूसरे की, और इनको जो सरकार की तरफ से राशन वोशन मिलता है जी, उसी की तरफ से इनका गुजारा चलता है। अच्छा। अब ज्यों पे त्यों चलता है, और पूरी तरह अगर वो मतलब मूलभूत उसी तरफ आधारित है, उसी पे राशन भी आधारित है, जो राशन फ्री में मिलता है सरकार की तरफ से, उसी से इनका जीवन चलता है। आप क्या करते हैं? कुछ जी जी। अच्छा, फिर खाना वाना कैसे मिलता है आपको? अच्छा, ये माँ जी खिलाती है। ये कौन है आपकी? ये आपकी माता जी हैं? अच्छा, ये लाती हैं मांग करके आप जाते हैं? अच्छा अच्छा। खाना कौन बनाता है? माता जी। माता जी आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। तो दोस्तों इनकी उम्र माँ जी की लगभग 75 से 80 साल हो गया। इनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है। और ये इनका बेटा है, और दिमाग से भी ये थोड़ा से हाँ। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ सबकी बराबर नहीं होती हैं, लेकिन मालिक की क्या मर्जी है। जहाँ पर ये दोस्तों रहते हैं 3 वर्षों से, ये भी इनका नहीं है। लगभग 5 वर्षों से दोस्तों ये यहीं पे रहते हैं। इनके पास छप्पर नहीं, यही प्लास्टिक की पन्नी है, और ये खाना किसी तरीके से खाते हैं। और जाते हैं दोस्तों जहाँ पर ये सरकार की तरफ से जो भोजन राशन मिलता है उसमें फिंगरप्रिंट लगता है, और कभी कभी जब फिंगरप्रिंट नहीं पकड़ता है ना माता जी, तो राशन नहीं देते। अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगा तो राशन नहीं देते। अंगठवा ना लगा लगा राशन ना पावेलू। हाँ, तब वह बोला। दोस्तों ये माता जी कम सुन पाती है। यहाँ लोगों का कहना है कि जहाँ पे राशन मिलता है, अगर इनका अंगूठा फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाता तो इनको राशन नहीं मिलता है। दोस्तों थोड़ी सी दया भाव लोगों में होनी चाहिए, इतनी बुजुर्ग माँ के लिए। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ, इनके मुख से ये निकला है कि साहब मैं आपको ही वोट दूंगी। आप दोस्तों ये समझ सकते हैं, मैं वोट लेने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, मैं तो सिर्फ एक इनकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। माता जी आपका नाम क्या है? कुमारी। कुमारी। और आपका? हीरालाल। दोस्तों ये माँ जी हैं, इनके ये बड़े बेटे हैं। आप जाते हैं मांग लाते हैं? जाते हैं, कोई 10 रुपया देते हैं, चावल देता है, बस यही काम सुबह शाम चलता है। दोस्तों एक बार इनके आसियाने को देख लीजिए, जो इनका आसियाना है 5 वर्षों से ऐसे इसी प्रकार से ये भरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। रहन सहन की कोई व्यवस्था नहीं, और वो भी दोस्तों ये जो पन्नी लगी है, ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यही लोग व्यवस्था बना के इनकी पन्नी लगाए हैं ना। तो दोस्तों ये स्थिति होती है, घर में कुछ रहता नहीं, कभी कभी आलू उबाल के खा लेते हैं, और कभी कभी लोग बगल से लाते हैं 2-4 रोटी, जो बची रहती है इनको दे देते हैं, यही है। चलिए दोस्तों मैं इनके लिए सामान की व्यवस्था करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं छोटी सी दुकान पे, और आपको दिखाते हैं यहाँ से दादाजी के लिए और उस बूढ़ी माँ के लिए सामान लेते हैं। कितना हो? 2547। तो दोस्तों ये इनका सामान हो गया दादी माँ जी का, और मैं चलता हूँ जो भी सामान है उन तक पहुँचाता हूँ, और उनकी सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं कोशिश करता हूँ उसे और थोड़ा अच्छा करने के लिए। कहीं जो साथ में रहिए आप भी। दोस्तों ये माता जी के लिए सामान आ चुका है। दोस्तों ये 5 kg दाल है, क्योंकि माँ जी जो है ये रोटी बनाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ये दाल चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपके लिए हो गया माँ जी 5 kg दाल।
ठीक। और ये हो गया दोस्तों सिक्का का दाल, ये एक नंबर का। अच्छा दोस्तों ये शक्कर हो गया, भाई देवी माँ जी चाय भी बनाती होंगी। इसमें दोस्तों ये चावल हो गया है, कितना है ये चावल, 5 किलो 10 किलो। अच्छा ये दोस्तों हो गया शुद्ध राई का तेल माँ जी के लिए, बैल कोल, ठीक माँ जी। माता जी कुछ खुशी मिली आपको, ठीक है, तो बच्चे का आशीर्वाद थोड़ा दे दीजिए। ठीक ठीक ठीक, हम फिर आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं, हम इसको बढ़िया से बनाएंगे, छवाएंगे यहाँ रहने के लिए। हाँ हाँ थोड़ा बनेगा तो आप आराम से रहेंगे। ठीक ठीक ठीक, माँ तो माँ होती है दोस्तों, जो माँ कर सकती है इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता जी, जी। क्योंकि दोस्तों आज मैं जैसा दिख रहा हूँ ये मेरी माँ की देन है जी, जी। आज उस माँ के लिए मैं लाया हूँ और मैं जो भी है व्यवस्था करता हूँ। हर कोई दोस्तों अपने घर के आसपास अगर कोई भी बुजुर्ग माँ बाप है उसकी आप खिदमत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक दिन इसी मिट्टी में, आज मिट्टी के ऊपर हैं और कल मिट्टी के अंदर हो जाएंगे, एक दिन सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, हर कोई हो जाएगा। जानते सभी लोग हैं दोस्तों लेकिन मानते नहीं इस बात को। हाँ में हाथ सब लोग मिला देते हैं, इसी बात का दर्द है। सब कोई अगर चाहें तो थोड़ा थोड़ा इनके पास, इन क्या खाएंगे आप बताइए हमको, ये क्या खा सकते हैं। बगल में दोस्तों ये पंप चलता है, मशीन है, और करीब करीब दिखाएं दोस्तों, माँ जी इसी में से पानी पीती हैं, आप इसको भी देख लीजिए। और जब भी दोस्तों ये अपने बर्तन को साफ़ करते हैं तो जो पानी दोस्तों नाली में बहता रहता है, खेतों में पानी जाता है खेत की सिंचाई के लिए, उसी से माँ जी अपना काम चलाती हैं दोस्तों। हालांकि पानी तो साफ़ सुथरा रहता होगा लेकिन फिर भी दर्द की बात है कि हैंडपम्प नहीं है यहाँ पर। आइए और करीब से दोस्तों, ये बाहरी भोजन बनता है, इसको भी आप देख लीजिए। और माँ जी ये इंतज़ार करते हैं कि जब बारिश बंद होगा तब जा करके हमारा खाना किसी तरीके से पकेगा। और ये खुद दोस्तों अब इनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, ये कैसे खाना पकाती होंगी ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनकी झोपड़ी को सही करवाता हूँ, माँ जी की मैं हेल्प करता हूँ, और ये तो दोस्तों बनवा नहीं पाएंगे, ये सर हैं साथ में, है ना सर, ये हेल्प कर देंगे और इसको बनवा करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और चलते चलते मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपने माता पिता की, घर के आसपास में कोई भी हो तो उनकी हेल्प करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये मात्र 5,000 रुपया है। माता जी ये सारी चीज़ को आपको देखेंगे, ठीक है, ये आपकी व्यवस्था करेंगे, ये आप ले लीजिए, ये 5,000 रुपये, ठीक है। तो भैया आप पन्नी लगवा दीजिएगा बढ़िया ढंग से, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं। आप संतुष्ट हैं, जितनी पैसा माने लगी उतना तू दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा कुछ और खाते हैं, खाने इनको भी कुछ चाहिए, है ना। चलिए ये आप ले लीजिए। अरे नहीं ठीक पैर नहीं छूते। तो दोस्तों ये थोड़ा सा खैनी भी खाते हैं दोस्तों, बहुत दर्द होता है, अपनों को उपा करके हेल्प करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए और इस दुनिया से दोस्तों मुझे अलविदा कहना पड़े। यहाँ के लोग भी काफ़ी हेल्प किए हैं, आगे भी करेंगे, है ना सर, इनकी झोपड़ी थोड़ा सा आप लोग। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से दोस्तों मैं गरीब परिवार का हेल्प करता रहूं मजबूती के साथ, तो प्लीज़ आप मुरली वाले हौसला फाउंडेशन टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए, एक हौसला प्रदान कीजिए। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।